इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज हम टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा जीते गए पदकों की सूची देखेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। यह ओलंपिक के इतिहास में भारत के एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक था। 2008 बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था, जबकि टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत के लिए दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता, जबकि एथलेटिक्स में यह भारत का पहला स्वर्ण पदक था। वहीं भारत के लिए मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन 49 वर्ग किलोग्राम प्रतियोगिता में भारत के लिए रजत पदक जीता। वहीं कुश्ती 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता। इस प्रकार मीराबाई चानू और रवि दहिया ने भारत के लिए 2 रजत पदक जीते। वहीं कांस्य पदक के रूप में बजरंग पुनिया ने कुश्ती में 65 किलोग्राम वर्ग फ्रीस्टाइल में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। वहीं पीवी सिंधु ने बैडमिंटन महिला एकल में कांस्य पदक जीता। पीवी सिंधु ने पिछले ओलंपिक में रजत पदक जीता था। इस प्रकार पीवी सिंधु कांस्य पदक जीतकर लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। वहीं मुक्केबाजी महिला वेल्टर वर्ग 64 से 69 किलोग्राम में लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता, जबकि भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया। इस प्रकार भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। आपको बता दें, भारतीय हॉकी टीम ने अब तक 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। वहीं नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक और 2008 बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। इस प्रकार भारत ने अब तक कुल 10 स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो ये थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा जीते गए पदकों की सूची। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।